नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज की वीडियो में मैं आपको बेड ब्रीथ, जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हेलिटोसिस कहते हैं, यानी कि मुंह में से बास आना, उसके बारे में बताऊंगा। मुंह में से बास क्यों आती है, कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शन है और किस तरह से उसे हम रोक सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियो की अपडेट दे देता हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में, जिसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, बीएलडीएल, एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल किस तरह से फाइंड किए जाते हैं और रिजल्ट इंटरप्रिटेशन क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में बात की थी। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी। दुनिया में तकरीबन 50% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार अपनी लाइफ में बेड ब्रीथ की प्रॉब्लम होती है। बेड ब्रीथ को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हेलिटोसिस कहा जाता है। बेड ब्रीथ की यह प्रॉब्लम टेम्पररी और क्रोनिक, यानी कि शॉर्ट टर्म भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। मुंह में से बास आने की प्रॉब्लम के साथ साथ कभी कभार मुंह में खराब स्वाद आने की प्रॉब्लम भी होती है, जो कुछ अंडरलाइन मेडिकल कंडीशंस की वजह से हो सकती है। अब बात करते हैं मुंह में से बास आने के पीछे कौन कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहला कारण है पुअर ओरल हाइजीन। देखिये, जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो फूड के छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे मुंह के कोनों में, हमारे दांतों के बीच में, मसूड़े और दांत के बीच में जो जगह होती है उसमें फंस जाते हैं। बैक्टीरिया और यह फंसे हुए फूड पार्टिकल की वजह से हमारे मुंह में बास आने की प्रॉब्लम हो सकती है। रेगुलर ब्रश क्लीनिंग और रेगुलर फ्लॉसिंग की मदद से हम यह प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। पुअर ओरल हाइजीन की वजह से हमारे मुंह में प्लेक का निर्माण होता है और यह आगे चलकर कैविटीज और पेरियोडोंटल डिजीज में कन्वर्ट हो सकता है। दूसरा रीजन है स्मोकिंग। अगर कोई व्यक्ति स्मोक करता है, सिगरेट स्मोक करता है या फिर सिगार स्मोक करता है, तो उस व्यक्ति में दूसरों के मुकाबले मुंह में से बास आने की प्रॉब्लम काफी ज्यादा हो जाती है। उसके पीछे भी एक सटीक रीजन रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि जब भी कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है तो उसका जो मुंह होता है वो सूख जाता है, जिसे हम ड्राई माउथ की प्रॉब्लम कहते हैं, जिसकी वजह से मुंह में से बास आने की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। तीसरा कारण है पेरियोडोंटल डिजीज। पुअर ओरल हाइजीन और रेगुलर ब्रशिंग ना करने की वजह से और रेगुलर फ्लॉसिंग ना करने की वजह से हमारे मुंह में प्लेक का निर्माण होता है और यह प्लेक की वजह से हमारे मुंह में पेरियोडोंटल डिजीज, जिसे हम गम डिजीज भी कहते हैं, होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे जैसे समय पसार होता है, वैसे वैसे यह जो प्लेक का निर्माण हुआ है वह और ज्यादा हार्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, जिसे हम टार्टर कहते हैं। यह टार्टर की वजह से हमारे मसूड़े और दांतों के बीच में जगह बन जाती है, जिसे हम पॉकेट्स कहते हैं। फूड पार्टिकल्स, बैक्टीरिया और प्लेक यह छोटे छोटे पॉकेट्स में फंस जाते हैं और मुंह में से बाहर आने की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। चौथा रीजन है स्ट्रॉन्ग फूड। स्ट्रॉन्ग फूड से मेरा मतलब है कि ऐसे फूड्स जिसकी स्मेल बहुत ही ज्यादा तीव्र होती है, जैसे कि प्याज और लहसुन। जब भी हम प्याज और लहसुन जैसे स्ट्रॉन्ग फूड्स का सेवन करते हैं, तब हमारा स्टमक यह स्ट्रॉन्ग फूड में मौजूद ऑयल को एब्जॉर्ब करता है, फिर यह ऑयल ब्लड स्ट्रीम में से पास होकर हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाता है। ऐसे फूड्स खाने के तकरीबन 72 घंटे तक भी मुंह में से बाहर आने की प्रॉब्लम हो सकती है। पांचवा रीजन है ड्राई माउथ। हमारे मुंह के अंदर सलाइवा का जो प्रोडक्शन है वह कंटिन्यूअसली होता है, जिसकी वजह से हमारा मुंह क्लीन और हाइड्रेट रहता है। अगर किसी व्यक्ति के मुंह के अंदर सलाइवा का प्रोडक्शन कम होता है फिर नहीं होता है, तब उस व्यक्ति का मुंह सूख जाता है और हाइड्रेट नहीं रहता है, वहां पर डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से मुंह में से बास आने की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। छठा कारण है साइनस माउथ या फिर थ्रोट प्रॉब्लम। अगर आपको इनमें से एक या फिर अधिक प्रॉब्लम है, तब भी मुंह में से बास आने की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि पोस्ट नजल ड्रेनेज, साइनस इन्फेक्शन, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन, फेरिंजाइटिस, माउथ अल्सर इत्यादि। सातवां रीजन है सर्टेन मेडिकल कंडीशंस। अगर आपको इनमें से एक या फिर अधिक मेडिकल कंडीशंस है, तब भी आपके मुंह में से बास आने की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि लिवर डिजीज, किडनी डिजीज, डायबिटीज, स्लीप अपनिया, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, यानी कि GERD इत्यादि। अब बात करते हैं मुंह में से बास आने की प्रॉब्लम को किस तरह से ट्रीट किया जाए। मुंह में से बास आने की प्रॉब्लम अगर प्लेक की वजह से है, तो प्लेक को रिमूव करके यह प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं। प्लेक को रिमूव करने के लिए हमें डीप डेंटल क्लीनिंग करवाना जरूरी रहता है। अगर कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से मुंह में से बाहर आने की प्रॉब्लम है, तो वह पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन को हमें ट्रीट करना होगा। अगर ड्राई माउथ की प्रॉब्लम, अगर सलाइवा का प्रोडक्शन मुंह में अच्छे से नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर हमें ज्यादा पानी पीने की सलाह देते हैं। तो इस तरह से भी हम मुंह में से बाहर आने की प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं
सकते हैं मुंह में से बात आने की प्रॉब्लम को किस तरह से रोकना है, किस तरह से प्रिवेंट करना है, उसके लिए आपको कुछ यह प्रिवेंटिव मेजर्स का ध्यान रखना होगा। जैसे कि खाना खाने के बाद ब्रश करें, दिन में कम से कम एक बार फ्लॉस करें, हो सके तो शुगर अवॉइड करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, फाइबर्स वाला आहार लें, अपनी टंग को भी साफ करें, हर 3 महीने में ब्रश बदलें, स्ट्रॉन्ग ऑडर वाला खाना कम करें या फिर बंद करें, एंटी बैक्टीरियल माउथ वॉश का प्रयोग करें, स्मोकिंग बंद करें, समय समय पर डेंटल चेकअप करवाए इत्यादि। तो यह थी जानकारी बेड ब्रीथ यानी कि हेलिटोसिस के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ या वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो, अगर आपको लगता है कि इस चैनल के जरिए आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एड होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।